हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। ठीक है, 148 में कहता है कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द एवब कंपाउंड, फॉर द एवब कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, आपसे हमसे यहाँ पर बोला गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है साइक्लिक कंपाउंड में देखने के लिए हम क्या करते हैं। इसमें कंडीशन ये होता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उस पर दो कार्बन कम से कम ऐसे जरूर होने चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, और उस पर ग्रुप भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो उस हिसाब से देखिए, ये वाला कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिख रहा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है बच्चों ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन इस पर ग्रुप जो है डिफरेंट नहीं है। कहने का मतलब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है वो समान हो गए, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 149 में अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों तीन मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो जो कंडीशन क्या होता है कि साइक्लिक कंपाउंड में sp3 कार्बन पर कम से कम दो sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसके पास डिफरेंट ग्रुप हो। यहाँ पर देखिए तीन तीन sp3 कार्बन है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक स्थिति तो ये होगी बच्चों कि यहाँ पर जो है, ठीक है, एक स्थिति ऐसी होगी, मैं एज इट इज स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करता हूँ, जिसमें यहाँ का मिथाइल, यहाँ का मिथाइल और यहाँ का मिथाइल तीनों के तीनों वेज पर हों। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है बच्चों कि यहाँ का जो मिथाइल है ये मिनिमम इन, कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी एक डैश पर चला जाए और दो जो है वेज पर आ जाए। ठीक है, दो वेज पर आ जाए। और एक स्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें कि दो डैश पर हो और एक वेज पर आ जाए, तो दो डैश पर और एक वेज पर जो होगा वो वाली स्थिति देखिए कुछ ऐसी होगी। जैसे मान लीजिए इन दोनों को हमने डैश पर कर दिया, ठीक है, और इसको हमने वेज पर कर दिया, तो आप गौर से देखिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ठीक है, क्या है, मिरर इमेज है। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं, समझ के बात को। तो कहने का मतलब है कि टोटल दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको 149 में देखने को मिलेंगे और वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। अभी देखिए हमने इसके बारे में चर्चा किया था, ये एक प्रकार से क्या है, ऑड क्यूमुलिन है, और ऑड क्यूमुलिन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। बोले तो कहने का मतलब यह है कि ये जो CH3 और H है ये भी इसी प्लेन में, और ये CH3 और H इसी प्लेन में है, तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो है ना एक इस तरह से स्क्वायर बना लीजिए। क्यों? जब प्लेन में ही है तो स्क्वायर हम बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर भी आप सिस और ट्रांस दो फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस L1 लेंथ के बारे में अगर आप इस स्क्वायर के हेल्प से देखना चाहें तो आपको लगेगा कि अच्छा ये इसके साइड लेंथ को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इस CH3 से इस CH3 पर आने के लिए आपको डायगनली जाना पड़ेगा, और आप जानते हो कि स्क्वायर में जो है डायगनल का लेंथ जो है वो साइड के लेंथ से ज़्यादा होता है, तो L2 ग्रेटर देन L1 हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 151 में हमसे इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बोलता है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहले नंबर देखिए आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढना होगा, कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होंगे। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पर दोनों ग्रुप समान लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर वैसे यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलेगा, कुल मिलाकर एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 हो गया, है ना, तो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 2^1, बोले तो 2, एक सिस हो जाएगा और दूसरा ट्रांस हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार से अगर हम 152 के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही वाली बात, आप स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढिए, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर देखिए यहाँ पर है C डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन पर भी देखिए दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। उसी प्रकार से ये डबल बॉन्ड भी क्या है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, क्योंकि इसके दोनों C डबल बॉन्ड C कार्बन पर जो है डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं।
और तो और देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट वो बिल्कुल डिसिमिलर है। डिसिमिलर कैसे? क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर क्लोरीन है। इधर का स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिल रहा है, इधर का अलग देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए 153 में है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर ब्रोमीन है। तो बेसिकली क्या है कि दोनों कहने का मतलब है कि एक प्रकार से इक्वल एंड हाफ पोजिशन पर आप देखिए तो दोनों तरफ जो है सेम माहौल दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि इसका जो एंड पॉइंट है ना वो सिमिलर है। कैसे देखिए, आप समझ सकते हैं। सी एच थ्री देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सी एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो एंड पॉइंट है वो सिमिलर नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको एंड पॉइंट सिमिलर देखने को मिलेंगे। खैर जो भी हो, कहने का मतलब है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर इस क्वेश्चन में देखिए आपको दो देखने को मिल रहा है, जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो n बराबर 2 हो गया, और चूंकि इसके एंड जो है वो डिसिमिलर है, ठीक है। एंड क्या है बच्चों? डिसिमिलर है। तो ऐसे स्थिति में नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 2^2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 4 आंसर होगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या है बच्चों, सिमिलर एंड है, तो सिमिलर एंड होने के कारण जो है यहां पर n बराबर 2 है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर फॉर्मूला लगेगा 2^(n-1) प्लस 2^(n/2-1), ठीक है। तो 2^(2-1) प्लस 2^(2/2-1) इसको सॉल्व कीजिएगा 2, और ये इसको 1 हो गया, और फाइनली जो है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको 3 देखने को मिलेंगे। समझ गए बात को कैसे? तो देखिए एक बार यहां पर जब शीश हो रहा होगा तो यहां भी शीश होगा, ठीक है बच्चों, और जब ट्रांस हो रहा होगा ट्रांस होगा, और एक होगा सीस ट्रांस और दूसरा होगा ट्रांस सीस। तो बेसिकली ट्रांस सीस और सीस ट्रांस वाला जो जो दो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और चूंकि इसके एंड पॉइंट जो है सिमिलर होंगे, तो ऐसी स्थिति में सीस ट्रांस और ट्रांस सीस दोनों एक ही जैसे होंगे, दोनों आइडेंटिकल होंगे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें कितने देखने को मिलेंगे आपको? 3।